सत श्रीकाल दोस्तों, मैं बलजिंदर सिंह सैगल साई होर्स एजुकेशन सर्विस तो। सो अज मैं तुम्हें दिखा रहा 10 सिंगापुर के वीज़े जिड़े कि साढ़े वन डे 10 वीज़ा आए हैं बच्चों के। सो ये बच्चों अजे इनफॉर्म भी नहीं किया और मैं चाहवागा कि साढ़े सोशल साइट्स तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू इन्हों पता चले कि बच्चों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं। सो ये बच्चे ने दीपक, सिमरनपाल कौर, हरजिंदर सिंह और नीलम कौर, गौरव और माया, हरप्रीत सिंह, शुभम और सुखमन कौर और राहुल शर्मा। सो ये 10 वीज़ा तुम्हें दिखा रहे हैं जेडे कि अज साई ओवरसीज़ के अप्रूव हुए हैं सिंगापुर के। सो मैं दसना चाहवागा वो सारे बच्चों जिहड़े बच्चे किसी रीज़न करके कोविड के बीच या जॉब्स नहीं है बच्चों को, या फिर कुछ सिनेरियो करके कि बच्चे चाह रहे हैं कि साड़ा गैप बहुत ज़्यादा, कोई अच्छी कंट्री की ऑप्शन कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड असी नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ऑफ बजट या बच्चों का अकैडमिक क्वालिफिकेशन के गैप बहुत ज़्यादा है। सो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उस सारे बच्चों वास्ते, क्योंकि सिंगापुर से देख रहे हो कि हम बहुत सारे कंसलटेंट्स सानू बहुत वीज़ा दिखा रहे हैं क्योंकि मार्केट के सिंगापुर वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अज अगर मैं अंबेसी की सनैरियो की गल करा तो 100% वीज़ा आ रहा सिंगापुर का, सेम एज लाइक जो यूक्रेन का सी कि 100% वीज़ा सी। एट प्रेजेंट सिनैरियो ये कि सिंगापुर के 100% वीज़ा आ रहे हैं। सो इन्ना सक्सैस रेट मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा सिंगापुर का। सो सारे बच्चों वास्ते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं सिंगापुर की गल करा बिकॉज ऑफ कि पहले बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लीगली 6 महीने तुम्हें वर्किंग राइट नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट 6 महीने बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग जी कि कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करवा के दिता, मीनस कि 6 महीने स्टडी तो बाद जो 6 महीने का वर्क परमिट मिलना कॉलेज की रिस्पोंसिबिलिटी है तुम्हें सर्च करके देने का। अदरवाइज़ की होंगे कि किसी कंट्री जाते हो विदाउट आइल्स तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स इन्ने अप्रूव नहीं है। जो तुम ऐसी कंट्री जा रहे हो जितों की मेन लैंग्वेज जी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बच्चे को जॉब नहीं मिलती। सो सिंगापुर एक ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसी ऑप्शन बच्चों वास्ते निकल के आई है जिते कि अगर स्टूडेंट स्टडी वीज़ा से अप्लाई करेगा 6 महीने की स्टडी तो बाद कॉलेज की रिस्पोंसिबिलिटी है तुम्हें 6 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग लगवा के देना। और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट 50,000 तो स्टार्टिंग है और 50-60-70,000 तक, और साई ओवरसीज़ को अप्लाई करने का बेनीफिट है कि जितने तुम्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी 2 times का फूड वो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज तुम्हें जितने भी जॉब लगवा के देगा 2 times का फूड तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो पंजाब का सब तो सस्ता पैकेज, और मैं नहीं कह रहा तुसी, मैं तुम्हें बच्चों की बाइट्स दिखावगा कि तुसी बच्चों के सुनना कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि असी बहुत सर्च आउट किया, और ईवन कि जोड़े बच्चे उत्थे गए हुए थे उन्होंने रैफरेंस उन्होंने मिले कि अगर तुम अप्लाई करना है सिंगापुर अप्लाई करना तो सब तो बेस्ट और सब तो सस्ता और सब तो अच्छे कॉलेज के जी सर्विस दे रहे हैं साई ओवरसीज एजुकेशन सर्विस दे रहा है। तुम साई ओवरसीज तो क्यों अप्लाई किया सर अपना स्टडी वीज़ा? सर एक्चुअली मेरा ना फ्रेंड से 3-4 ईयर पहला गया से, ओके, ते उन्होंने मैं रेकमेंड किया से कि अच्छा कि साई ओवरसीज तो अप्लाई करो। हां जी अप्लाई करो कि बहुत बढ़िया गाइड करते हैं, ओके, ते बहुत बढ़िया उन्हों का घट रेट है, ओके। आप जम्मू से हो तो इतनी दूर से आपने साइन ओवरसीज अप्लाई किया? हाँ सर, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी पे, इंस्टाग्राम में उसको वॉच किया, और आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो। अच्छा, आप दोनों ने माइंड बनाया कि हमने साई ओवरसीज जाके अप्लाई करना है, कि पंजाब जाना है दूसरी स्टेट से है कि यार वहाँ कैसे बंदे होंगे कि मतलब कभी जो डील नहीं किया और आपने एडवर्टाइजमेंट दे के ट्रस्ट किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर हमने फोर्स किया पापा को। अच्छा, आपने फोर्स किया पापा को? जी, साई ओवरसीज चलते हैं, ओके। काफ़ी ज़्यादा सर सक्सेस रेट आई है यहाँ का, बस यही होप थी कि हमारा वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, आ जाएगा। सो अगर थोड़ा भी गैप बहुत ज़्यादा है, अकैडमिक क्वालिफिकेशन परसेंटेज घट है, बजट घट है, विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो अज ही और इन्हें डॉक्यूमेंट्स लैके साई ओवरसीज विजिट करो और अपने अब्रॉड जाने का सपना पूरा करो। थैंक यू वेरी मच।